हेलो गाइस, सबसे तो मैं वापस एक और नया वीडियो लेकर माइनक्राफ्ट का फ्री सर्वर लेके। तो मैं आज आप लोग से एक और नया माइनक्राफ्ट सर्वर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनका नाम है नेटर नोड। ज्यादा देर ना वेट करते हुए चलते इनके डिस्कॉर्ड की ओर। तो चलते हैं, तो इधर आ गए हम लोग इनके नेटर नोड के डिस्कॉर्ड में। तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर में इन्फॉर्म दिख जाएगा, इन्फॉर्म में आप लोग क्लिक करेंगे तो इनका पैनल का लिंक और इनका जीमेल मिल जाएगा। कांटेक्ट करना है तो इनका वेबसाइट में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे अनाउंसमेंट में आप लोग जाके इनका अनाउंसमेंट से कर सकते हैं। 50% ऑफ मिलता है, चीनी ऑफर आते रहते हैं। इनके डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होकर रखिए और यहाँ पे ऑफर में आप लोग देख सकते हैं। ऑफर और आते रहते हैं सर्वर के ऊपर। जैसे यहाँ पे भी ऑफर दिया हुआ है 8 GB रैम का। और इधर आप लोग नोट्स पे आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्टेटस एक्टिवेट है। और इधर पेड अनाउंसमेंट आप लोग को अनाउंसमेंट आते रहता है पेड क्या। और यहाँ पे ट्यूटोरियल आप लोग चाहे तो इनका ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, तो इनके ट्यूटोरियल्स चेक कर सकते हैं। और इधर आप लोग नीचे आएंगे और इधर आप लोग को देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट फ्री सर्वर कैसे क्रिएट करना है। इधर यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा, सवाल इसमें नहीं आएगा तो इधर आप लोग नीचे और आएंगे। इधर आप लोग को देख सकते हैं फ्री सर्वर, तो आप लोग को यहाँ पे इजिली फ्री सर्वर क्रिएट कर सकते हैं SMB के लिए। और इधर आप लोग फ्री डोमेन भी चाहे तो ले सकते हैं इनका सर्वर की तरफ से। यहाँ पे इन लोग का फ्री सर्वर डोमेन भी मिल जाएगा। यहाँ पे पेड डोमेन भी अवेलेबल है, चाहे तो आप लोग पेड डोमेन भी आप लोग इनका तरफ से ले सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो फिर आप VPS भी इनका ले सकते हैं। और इधर आप लोग को बहुत सारे ई भी देख सकते हैं इनका भी, ये भी कुछ है, ये हमको नहीं पता इसका यूज क्या है, तो अगर पता हो तो आप तो कह सकते हो, ये भी ले सकते हो उनसे। और नीचे आप लोग चलते दिखाते आप लोग को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप लोग प्रीमियम में आके इधर आप लोग माइंड का सर्वर आप लोग को लेना है तो सर्वर प्रीमियम वाला आप लोग ले सकते हैं। तो चलते आप लोग को आप बताते हैं आप लोग को सर्वर कैसे क्रिएट करना है। आप लोगों को नीचे दिख रहा है वो चिल्ड्रेन चैट कमांड दिख रहा है वो, तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने का आप लोग को पहले ये लिखना, ये जो मैंने लिखा है यही लिखना है आप लोग को। ये लिखने के बाद आप लोग को इंटर करना, ये इंटर करने के बाद आप लोग को आप लोग का DM में एक मैसेज आएगा। ये देखिए जैसे मेरा DM में आ गया मैसेज, तो यहाँ पे आप लोग को पूछा है इंटर यूजर नेम। आप लोग को जो सर्वर का यूजर नेम रखना है वो यूजर नेम आप लोग को देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी अपना नाम से रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गेमिंग बॉय YTT रख दिया कि कोई भी पहले शायद रखा हो सकता है तो उन्हें पहला पता नहीं, इसलिए बताओ। तो यहाँ पे उन्होंने कर दिया कुछ भी। और यहाँ पे नीचे फिर पूछेगा आपका ईमेल, जो ईमेल आपको सर्वर क्रिएट करवाना है तो वो ईमेल दे देना है। वो ईमेल देने के बाद आप लोग को फर्स्ट नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम आप लोग को इंटर कर देना है, जो फर्स्ट नेम आप लोग का रखना है। तो मैं यहाँ गेमिंग रखता हूँ। बस लास्ट नेम पूछेगा तो लास्ट नेम आप लोग को रख देना, लास्ट नेम मेरा बॉय होगा। और आप लोग को एक पासवर्ड जनरेट करने बोलेगा, तो आप लोग पासवर्ड जनरेट कर लीजिए जो आप लोग को रखना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड को हाइड कर देता हूँ ना कोई और ले सकता, तो इसलिए आप लोग को मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी इंटर कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग का सर्वर रेडी हो गया। तो अभी आपका सर्वर रेडी नहीं हुआ, आप लोग का सर्वर का पैनल का ये सिर्फ आप लोग का कंप्लीट हुआ, आप लोग का मेन काम अभी बाकी है। सर्वर के अंदर नोड एक आना, नोड आप लोग के अंदर इसके अंदर नहीं है, आप लोग सिर्फ उनके पैनल पे ज्वाइन ले। अब आप लोग का नेक्स्ट काम है इनका वापस सर्वर पे जाना है इनके सर्वर में, और इनका कोई इनसे बात करना है स्टाफ या फिर ओनर या फिर किसी से बात करना है जो आप लोग को कंप्लीट कर देंगे सर्वर को। टिकट या फिर चैट में बात कर सकते हैं, टिकट क्लियर करके भी अच्छे होगा बात करना। बात करके इनको वो ईमेल प्रोवाइड कर देना जो ईमेल पे आपने डाला है, ईमेल देना है तो इन लोगों ने फ्री वाला उसके अंदर अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देने के बाद आप लोग का सर्वर रेडी हो जाएगा। तो इतना हो जाने का आप लोग को जैसे मैंने दिखाया था
पैनल के अंदर चला जाना, जो पैनल आपने ऊपर देखा था, चाहे तो इधर मैं कमांड के थ्रू भी आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। कमांड में आना, यहाँ पर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो चाहे तो मिल सकता है यहाँ पे, जिससे इधर ऊपर मिलता है। आप लोग को मैं लिख के भी एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग को तुरंत आ जाए। तो आप लोग को यही वापस लिखना, सिर्फ पैनल लिख देना उसकी जगह, तो आप लोग को यहाँ पैनल का लिंक प्रोवाइड कर देगा ये लोग। तो ये लिंक प्रोवाइड हो जाने पर आप लोग को विजिट लिंक के पे लिख देना है, और यहाँ पे आप लोग को जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था वो डाल देना है, या फिर ईमेल डाल देना, उसमें कुछ भी चलेगा वो डाल देना। तो आप लोग को लॉगिन कर देना है इसमें। लॉगिन कर देंगे तो आप लोग को यहाँ पे अपना ये दिख जाएगा, जो सर्वर उन्होंने अपलोड किया तो वहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। अगर पेड भी लेते तो पेड का भी यही शायद है सोल्यूशन रहेगा, इसमें भी पेड का भी यहाँ पे आ जाएगा, या फ्री सर्वर है तो फ्री सर्वर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का सर्वर यहाँ पे होगा। तो चलते हैं सर्वर को एक बार स्टार्ट करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सर्वर होगा स्टार्ट। तो यहाँ पे आप लोग से पूछेगा कौन सा जावा वर्जन आप लोग को चाहिए, तो जावा वर्जन आप लोग को रख दीजिएगा, मैं यही रखता हूँ। तो यही आप वर्जन तो रखता हूँ जावा का। तो यहाँ पे हम लोग का हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आएगा, तो एग्री का आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप, फाइल के अंदर जाना। तो आप लोग यहाँ पे तीन का ऑप्शन दिख रहेगा, होम, प्रोफाइल और थ्री डॉट। थ्री डॉट जाना है, यहाँ पे फाइल वाला सेक्शन पे क्लिक कर देना। फाइल वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे प्लगइन दिखेगा। प्लगइन पे जाने के बाद आप लोग को जो जो प्लगइन अपलोड करना है वो प्लगइन सब डाल दीजिए। जैसे कि मैं गीजर वीजर डाल देता हूँ उसमें, क्योंकि फोन में खेला तो फोन के लिए आप लोगों को पता है गीजर फ्लूड गीजर ये सब जरूरत होता है, तो ये सब डाल देता हूँ। और वीगा वर्जन वीगा बैक बोर्ड भी डाल देता हूँ। ये सब चारों अपलोड हो रहा है हम लोग का। अपलोड हो जाने के बाद एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लीजिएगा। यार मैंने चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे से न्यू वीडियो में डिस्कॉर्ड में ऐसे से पहले अपलोड करते रहता हूँ और चैनल बताते रहता हूँ आप लोग को। यहाँ पे हम लोग का सारा प्लगइन अपलोड हो गया है। तो चलते हैं आप लोग नेक्स्ट वापस से रिस्टार्ट एक बार सब को कर लेते हैं। तो जब तक हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है तब तक से आप लोग लाइक ठोक दीजिएगा, लाइक अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो। और एक बात मैंने आप लोग को बताना भूल गया कि ये सर्वर सिर्फ SMP खेलने के लिए है, क्योंकि इनका रैम सिर्फ 2 GB है, क्योंकि ये सर्वर सिर्फ SMP खेलने के लिए। अगर आप लोग इससे भी बड़ा बड़ा सर्वर चाहिए तो इनका पेड प्लान ले सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्टार्ट हो गया, तो वापस चलते हैं फाइल में। फाइल में जाके आप लोग को यूजर स्प्लिट को कॉन्फ़िग YTML करना है इसकी। तो ये इधर निकाल दिया मैंने फाइल, फाइल में कॉन्फ़िग YTML खुल रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे खुल गया, तो अगर आप लोग को पता है तो यूजर में सेटअप करना है तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। आप लोग फर्स्ट वाला है तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पे आप लोग पोर्ट देखेगा, तो पोर्ट पे आप लोग जो पोर्ट को कॉपी रखे थे उस पोर्ट को कॉपी कर ली, यहाँ पे डाल दीजिएगा। 7012 है मेरा, गलती से मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे काटना होगा मुझे। 012 तो ये सही है, एक बार चेक कर लेते, सही है। तो इधर नेक्स्ट आप लोग को नीचे जाना है, और नीचे जाना है, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे जाना है। यहाँ पे एड्रेस में ऑटो होगा, ऑटो को काट के आप लोग को जो आप लोग का IP एड्रेस है वो IP एड्रेस को पुट कर देना है, सिर्फ आई को काट देना, सॉरी पोर्ट को काट देना। पोर्ट को काटने के बाद यहाँ पे एक और पोर्ट दिखेगा, वहाँ पे 6 होगा, उसके बाद 7 कर दीजिएगा। यहाँ पे एक दिखेगा ऑनलाइन करके, उसको काट के आप लोग को कर देना है फ्लूट गेट इसके नीचे, तो उसी में ऑनलाइन कीजिएगा। ये हो जाने का तो आप लोग को एक बार फिर से सर्वर को करना है रिस्टार्ट सेव करने के बाद।
ऐसे पैक मत कर दिया, सेफ इधर दिख रहा होगा आप लोग को। सेव करने के बाद आपको बैक कर देना कंसोल में जाकर, एक बार फिर से रिस्टार्ट कर देना सर्वर को। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया रिस्टार्ट। तो चलते हैं फिर से हम लोग अब गेम के यार। तो यहाँ पे एक काम हम लोग ने भूल गया, तो हमने यहाँ पे ये नहीं किया है ऑनलाइन मोड को फॉल्स करने भूल गए। तो चलते हम लोग ऑनलाइन मोड को पहले फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे में जाना है लास्ट में कॉन्फिग वाइट सर्वर प्रॉपर्टी में, सर्वर प्रॉपर्टी में जाना है ऑनलाइन मोड को कर देना है फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग को खोजना होगा ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड किधर है। तो ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड तो ये रहा। तो इसको काट के हम लोग कर देते हैं इसको फॉल्स। फॉल्स करते हो आप लोग को वापस एक बार सेव करके सब को वापस से रिस्टार्ट कर देना। रिस्टार्ट हो जाने के बाद आप लोग को फिर से सर्वर को स्टार्ट करना है एक बार। अगर आप लोगों को कुछ इश्यू हो रहा है तो मेरे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हो क्या इश्यू आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया रिस्टार्ट। तो चलते गेम में ज्वाइन करते हैं सर्वर को आईपी एड्रेस को डाल के। तो यहाँ पे ऐड करते हैं सर्वर, इनका पोर्ट ये सब डाल देते हैं। जीरो वन टू और ऊपर से इसका पोर्ट काट देते हैं पहले, और नाम में आप लोग को जो भी रखना हो रख दीजिएगा, सबमिटेड भी रख देते हैं इनका सर्वर का नाम। तो इसको कर देते हैं सेव। सेव करना है, ज्वाइन करना है फिर हम लोग को सर्वर में। तो करते हैं इसके ज्वाइन। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया ज्वाइन, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का रात में ज्वाइन हुआ है, तो कोई नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का देख सकते चंक भी तुरंत लोड ले लिया है, कोई तो इशू नहीं हो रहा है इसमें। आप लोग इसमें आराम से 5-10 10 प्लेयर आप लोग SMP आप लोग अपना बना सकते हो, यहाँ पे SMP खेल सकते हो। और यहाँ पे पहले कंसोल निकाल के डे कर लेता हम लोग। तो कंसोल में जाके अपने आप को गेम मोड को ऑपरेटिव पहले कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश मारना हम लोग को। तो यहाँ रिफ्रेश मार के, तो आप अगर आप लोग को नहीं पता है कि ऑपरेटिव आप लोग को कैसे लगा, तो ओपी डॉट क्रेजी डैश किलर। यार अरे भाई रुक जा मत मार। 534 इंटर। तो यहाँ पे हम लोग को ऑपरेटिव मिल गया। तो यहाँ पे चल जाते हैं, एक थोड़ा साइड हो जाता है पहले, उन्हें एक ठोक के खत्म कर देगा। तो यहाँ पे आप लिखते हैं स्लैश गेम मोड। क्रिएटिव इंटर कर देना। तो यहाँ पे गेम मोड क्रिएटिव हो गया। तो टाइम पहले चेंज कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं इसको इंटर। तो यहाँ पे हो गया।
तो देख सकते हैं आप, चंक हम लोग का बहुत दूर तक लूट ले चुका है। अगर आप लोग आराम से 5-6 जन खेल रहे, 5-6-7 जन खेल रहे हो, तो आराम से हम लोग इसमें खेल सकते हो, SMP खेल सकते हो इसके अंदर। अगर आप लोग को बड़ा बनाना है, लाइव स्ट्रीम टाइप बनाना है, तो उनके लिए आप लोग को सर्वर परचेज करना होगा, क्योंकि इसमें तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग पता होगा तो प्लगइन में ही आप लोग का ले लेगा, 2-3 GB ले लेता है। लेकिन आप लोग को इसमें आराम से SMP के थ्रू आप लोग खेल सकते हैं। अगर आप लोग को बनाना है SMP सब, तो इनके थ्रू आप लोग खरीद सकते हो, और इनमें ऑफर आते रहते हैं, तो आप लोग को ऑफर में भी आप लोग इनका सर्वर परचेज कर सकते हो कम प्राइस में। और इनका डिस्कॉर्ड का लिंक मेरा डिस्कॉर्ड में और मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। तो आप लोग को पसंद आए ये सर्वर तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ऐसे न्यू सर्वर के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से बाय बाय।